कभी किसी को आपसे मोहब्बत हुई? अल्लाह जाने सबको मोहब्बत हुई या नहीं हुई, इजहार तो करते होंगे। हाँ ऑब्वियसली व्हेन आई गॉट मैरिड आल्सो, तो मोहब्बत की शादी थी, लव मैरिज थी, आई एम श्योर कि मोहब्बत हुई होगी तो की होगा, इतनी प्यारी हूँ मैं, इतनी अच्छी हूँ मैं तो आई एम श्योर मेरे माँ बाप को मेरे से इतनी मोहब्बत थी, तो आई एम श्योर, और बहुत सारे मेरे फैंस हैं जो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। कोई ऐसा जो इस तरह था कि अगर उसको आप ना मिली तो वो खुदकुशी कर लेगा, कोई ऐसा बता? ऐसे तो फैंस ही होते हैं जो क्रेजी फैंस नहीं होते, इस तरह के लोग अनाउंस तो करते हैं, ऐसे हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं, ये सिर्फ फिल्मी बातें होती हैं। वो कहते हैं ना जो कहता था तुम मेरे मर जाऊंगा आज भी जिंदा है, वही बात किसी और से कहने के लिए तो वो आई हैव एक्सपीरियंस दैट आई कांट लिव विदाउट यू एंड दैट्स ऑल, वो बहुत एक बड़ा झूठ है, हर कोई हर किसी के बगैर जिंदा रह जाता है, कोई किसी के बगैर मरता नहीं। आप पब्लिक प्लेसेस पे भी जाती हैं, किसी जहाज में, किसी एयरपोर्ट पे, किसी पार्क में, किसी शॉपिंग एरिया में, कोई ऐसा बंदा आपको मिल गया हो कि नहीं आप अगर मुझे ना मिली तो मैं मर जाऊंगा? अच्छा नहीं, वो ऐसे क्रेजी फैन कुछ लोगों ने स्टेटमेंट्स दी थी शुरू में जब मैं आई थी नई में, एक कोई लड़का था उसने अखबार में स्टेटमेंट आई थी कि जी अगर मुझे नूर ना मिली, नूर से मेरी शादी ना हुई तो मैं हरन मीनार से ना छलांग मार दूंगा। अच्छा जी वो स्टेटमेंट पढ़ी, फिर आपको पता है सहाफ़ी हज़रात जैसे होते हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और ये किया, और मैंने फिर उनको कहा, मैंने कहा मैं उसको कैसे समझाती, मुझे समझ नहीं आ रही थी और पता नहीं कौन था वो, फिर मैंने कहा मैंने स्टेटमेंट ये दी कि अगर अल्लाह ने चाहा अगर मैं तुम्हारे नसीब में हूँ तो मैं तुम्हें मिल जाऊँगी, तुम खुदकुशी ना करो अल्लाह का वास्ता, तो आई एम श्योर कि वो आज किसी के बच्चों का बाप होगा वो होती ना वक्ती मोहब्बत होती है, वो जुनून आपको चढ़ा होता है, अब होगा किसी के बच्चों का बाप कहा तो सबने यही था, मरे नहीं अभी तक सब जिंदा है कभी धोखा भी खाया? धोखा खा के तो हम यहाँ तक पहुँचे, बहुत धोखा खाया, बहुत धोखे खाए, और कुछ जान बूझ कर खाए, कुछ अनजाने में मिल गए, लेकिन दुनिया ने हमेशा धोखा ही दिया, और जिसने धोखा नहीं दिया फिर बस उसके पास फॉर्म वापस हाजिरी लगा दी कि सर बॉस माफ़ कर दें, समझ आ गई है एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है, होगा वही जो तेरी चाहत है बस। पाकिस्तान में कोई एक्टिंग स्कूल का स्कोप कितना ज़्यादा है? एक्टिंग स्कूल का स्कोप बहुत अच्छा, अच्छे लेवल पर हो भी सकता है, लेकिन अभी मेरे ख्याल में नैपा जो कराची में है वो वहाँ पे सिखाते हैं एक्टिंग, लेकिन लाहौर में ऐसा इतना कुछ नहीं है। मेरे ख्याल में अभी भी बहुत टाइम लगेगा वो जो एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट बनने में और लोगों को वो अवेयरनेस होने में। अब बहुत से बच्चे कहते हैं जी हम फिल्म पढ़ रहे हैं, हम फिल्म इंडस्ट्री में आ रहे हैं, क्योंकि टेलीविज़न इंडस्ट्री में आ रहे हैं, लेकिन स्टिल इट नीड्स आई थिंक 8 to 10 years टू मतलब ग्रो द इंडस्ट्री, यानी मासेस में एक्सेप्टेंस के लिए अभी वो अभी है, हाँ मासेस में वो हाँ नहीं है, वो नहीं है कि भी मतलब माँ बाप हैप्पीली नहीं कहते मासेस के, मतलब वो जो एलीट क्लास है वो तो दे डोंट बॉदर कि बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, उनके पास टाइम ही नहीं होता बच्चों को पूछने के लिए तो मासेस जो हैं वो एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। एंड यू नो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कभी किसी को सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप अपनी बेटी को इस फील्ड में लेके आए। इस शोबे में जो नए आने वाले लोग हैं जी, वो जब आना चाहते हैं तो उनको इतनी ज़्यादा उनकी इस इंडस्ट्री में जो पहले से लोग बैठे हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो इतनी हौसला अफजाई नहीं करते हैं, सपोर्ट नहीं करते। बस ये पर्ची सिस्टम है ना, हर जगह एक पर्ची सिस्टम चल रहा है, ये अभी से नहीं है, कितने अरसे से है। मैं पहले भी मैं जब इंडस्ट्री में फिल्म इंडस्ट्री में थी, जब 2000 में मेरी फिल्में लगी, मुझे इतनी फिल्मों से कट कराया जाता था, मैं दिल बर्दाश्त था होकर छोड़ दी थी इंडस्ट्री, मैं तो सेटों से रो रो के निकल जाती थी कि मैंने नहीं करना, ये क्या बकवास है, मतलब बदतमीजी हो रही है सेट पे, लड़ी है ये, टाइम पे नहीं आ रहा कोई, ये नहीं आ रहा, ऐसा हसद का साजिशों का कोई नाकाबले फरामोश वाक्या। एक बार मैं सेट के ऊपर बैठी हुई थी और वो तो अचानक अल्लाह अबू जन्नत नसीब करे कि अबू ने अचानक देखा, बिकॉज अबू इंडस्ट्री में थे तो अबू को पता था कि हरवे होंगे इसके साथ, तो मैं बैठी हुई थी, उन्होंने मुझे हटाया, ऊपर से किसी ने लाइट फेंक दी, वो पता ना वो स्टूडियो में लाइटें वो बहुत हैवी होती हैं, तो वो किसी लाइट मैन को पैसे पूछे किसी ने लगाए तो वो लाइट पुश कर दी, तो अबू ने मुझे एकदम से हटाया, और अगर वो मेरे सर पे गिर जाती तो आई वाज डेड।
अपने मुर्शिद के अलावा किसको मानती हैं, किस पे बिलीव करती हैं? पंचतन पाक वही आसरा है और वही सहारा है, उनके अलावा कोई है ही नहीं। मुझे तो लगता है मेरा कोई नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा और पंचतन, मतलब इन पांचों हस्तियों के अलावा कोई भी नहीं है। इन्हीं का सदका खा रहे हैं, इन्हीं के सदका जी रहे हैं और इन्हीं के सदके से जो है वो इल्म हासिल कर रहे हैं। दैट्स व्हाट इट इज़। आज यहाँ पे आप हमें लेके आईं तो क्या अक्सर औकात आती जाती रहती हैं? जी मेरा ये, बल्कि मैं हमेशा, बुजुर्गान दीन लोग अक्सर ये भी कहते हैं कि जी कौन सा दीन है और ये है कौन, मतलब आपको पता है ना जिस तरह की बातें लोग करते हैं, तो बुजुर्गान दीन के पास जब आप जाते हैं तो आपकी जितनी बलाएं होती हैं, जितनी नेगेटिविटी होती है, जो जादू है या नज़र है, वो आप की सब उतर जाती है। और दिल के सुकून के लिए कभी कभी आप थक जाते हैं दुनिया से, दुनियावी चीज़ें देख देख के, और कल्ब की राहत जो है ना वो आपको इन हस्तियों के पास आके मिलती है, क्योंकि इन्होंने बहुत इबादतें की हुई हैं, ये अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के दोस्त हैं। और मुझे, मेरा एक ख्वाब है जो अल्लाह ताला, इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि वो पूरा ज़रूर होगा, फातिमा इंशाल्लाह बड़ी हो जाए उसकी शादी करके, मैंने पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी अल्लाह के वली हैं मैंने जाना है और बस जाके अपना सलाम पेश करना है। कहाँ कहाँ जा चुकी हैं आप तक? मैं जैसे मैंने बताया था माशाल्लाह करबला की ज़ियारत मैंने कर ली हुई है, शहबाज़ कलंदर बहुत दफ़ा गई हूँ बचपन से बहुत दफ़ा, और कराची में अब्दुल्ला शाह गाजी, फिर मैंने पाक पतन बाबा फरीद शकरगंज बाबा जी के पास बहुत दफ़ा, दो तीन दफ़ा गई हूँ, और करबला और नजफ, फिर अब मैंने, मेरा बड़ा बड़ी ख्वाहिश है अजमेर शरीफ जाने की, कि मुझे जाना है अजमेर शरीफ जाना है, फिर इस्तंबुल जाना है मौलाना रूम के, मतलब अल्लाह की जान जहाँ वली हैं वहाँ भी मुझे जाना है और जाके उनको सलाम पेश करना है। रोज़ा रसूल पे कितनी बार जाने की सआदत हासिल हुई? आए रोज़ा रसूल पे तो हमारा दिल और जान वहीं है, मैं कहती हूँ कि जान जो है वो रूह हम वहीं छोड़ा है, मैं और मेरी बेटी और मेरे घर वाले, जान जो है वो यहाँ पे फिर रही है। मैंने आई थिंक, मैं खबर सात माशाल्लाह उम्रे किए हैं, हज अभी तक नहीं हुआ, तो दुआ है कि इंशाल्लाह जल्दी हज भी कर लूँ और ये एक फरीज़ा कम्प्लीट हो जाए। मदीना ख्वाहिश यही है कि बस आखिरी जब सांस हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुंबद जो है वो सामने हो, काश ये पूरी हो जाए। आप सब लोग आमीन कहिए इस बात पे प्लीज़। कोई पैगाम देना चाहेंगी व्यूअर्स को? मैं ये कहूँगी सबको, जब आप को जब समझ में आना लगता है कि क्या चीज़ है, अगर कोई भी चीज़ चाहे वो नमाज हो या वो इल्म का, दीन का इल्म आपके दिल को, कल्ब को, दिल को सख्त कर रहा है, लहजे को सख्त कर रहा है, तो आप उस पर गौर करें कि आप कहीं ना कहीं गलत ज़रूर हो रहे हैं। कोई कमेंट पास करने से पहले कि आप क्यों बुजुर्गान दीन पे जाते हैं या ये ठीक नहीं है वो ठीक नहीं है, अल्लाह को किसी की क्या अदा पसंद है आपको नहीं पता। सो जस्ट मेक श्योर कि आपका दिल नरम रहे, और दिल नरमी का एक टिप जो है मैं आपको दे रही हूँ, वो सिर्फ़ और सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने माँ बाप अपनी औलाद से ज़्यादा मोहब्बत है। दैट्स इट। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।